हे एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल मैसेज चैनल, जहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सेल्फ लव की, इनर चाइल्ड हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग एंड हाइट मैनिफेस्टेशन की। इसके साथ ही आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उन सभी को मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने वीडियोज अपलोड की हैं, ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, स्पेशली मनी के लिए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइट के बारे में। हाइट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे लोग डर जाते हैं कि हाइट मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप में से वो सभी लोग जो हाइट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं निगेटिविटी होती है, लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि आस पड़ोस के लोग, सोसाइटी, आपके खुद के पेरेंट्स या फिर आपके दोस्त लोग हमेशा बोल देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये मैसेज मुझे आते हैं तो मुझे पता है कि लोग कितना बुरा फील करते हैं। इस बुरी फीलिंग को रिलीज करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए, आपकी हाइट को मैनिफेस्ट करने के लिए आज की वीडियो है, जहाँ पे मैं बताऊँगी कि कैसे आपको आपकी हाइट मैनिफेस्ट करने में सिर्फ दो लाइंस हेल्प करने वाली हैं। सिर्फ ये दो लाइंस अगर आप डेली लिखते हो, 30 डेज तक लिखते हो, तो आप अपनी हाइट को मैनिफेस्ट कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। जो लोग इसे ईमानदारी से, ऑनेस्टली करेंगे, उनकी हाइट डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। तो वो दो लाइंस आखिर इतने पावरफुल क्यों हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब भी आप हाइट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लो आप अपनी अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हो, आप अपने फेस को बिल्कुल ग्लोई क्लीन करना चाहते हो एंड ब्राइटनेस लाना चाहते हो फेस पे, आप वेट को कम करना चाहते हो, ये वेट को बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड, तो पहली चीज़ होती है एक्सेप्ट करना खुद को, आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन लोगों की मान लो हाइट कम है, ठीक है, या फिर जिनकी जिनका वेट ज़्यादा है या वेट कम है, ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हर किसी के माइंड में आता है, तभी आप बदलना चाह रहे हो, अदरवाइज आप क्यों बदलना चाहते, राइट। तो अभी क्या है कि जब आपके माइंड में आपको लगता है कि मेरी हाइट कम है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटी दिखती हूँ, मैं पतला दिखता हूँ, इस तरीके के अगर थॉट्स हैं, तो आप इसी चीज़ को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जाने अनजाने में इसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इसीलिए फर्स्ट प्रोसेस होता है एक्सेप्टेंस का। इसीलिए एक अफर्मेशन आपको, एक्सेप्टेंस की अफर्मेशन होगी, जहाँ आप डेली सुबह में लिखोगे, उठने के जस्ट बाद आपको लिखना है कि मैं अपनी हाइट से प्यार करता हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, ये वन लाइन। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन क्या होने वाली है? दूसरी लाइन होने वाली है जो आपके पूरे दिन को सेट करेगी। यानी जैसा कि मैं बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी अफर्मेशन कर रहे हो, तो उस अफर्मेशन के वर्क करने के लिए आपका मेंटल एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, हाई वाइब्रेशन पे होना चाहिए, यानी आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। अगर आप सुबह उठते उठते निगेटिव फील करते हो, तो आप एक वाइब्रेशन सेट कर देते हो पूरे दिन के लिए। अगर कोई भी पर्सन सुबह में उठ के नहीं बोलता है कि आज का उसका पूरा दिन बेहतरीन होगा और वो आज निश्चित रूप से खुश रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं से निगेटिविटी अट्रैक्ट कर ही लेता है किसी ना किसी रूप में। अगर आप कोई अफर्मेशन, प्रेयर या मेडिटेशन नहीं करते हो सुबह उठने के बाद, खुद से कुछ पॉजिटिव नहीं बोलते हो, तो कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आपको पकड़ ही लेती है, क्योंकि इस तरीके की आसपास की एटमोसफियर की ऐसा होता ही है। आप खुद ही अपने आसपास देखो, क्या लोग कैसी बातें करते हैं, क्या पॉजिटिव बातें करते हैं, क्या आप अपने आसपास में पॉजिटिव न्यूज़ सुनते हो, या फिर कुछ ऐसी ही बातें होती हैं जो आप नहीं सुनना चाहते, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, सुबह उठते उठते लिखना है कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे शानदार दिन है और आज मैं निश्चित रूप से पूरे दिन खुश रहूंगी या रहूंगा। तो ये दो लाइंस है, एक आपका हो गया आपकी एक्सेप्टेंस के लिए, दूसरा हो गया पूरे दिन के वाइब्रेशन को सेट करने के लिए। अगर ये दो लाइंस आप डेली उठ करके लिख लेते हो अपनी नींद से उठने के जस्ट बाद, तो ये समझ लो कि कोई भी विश, हाइट मैनिफेस्ट करनी है तो हाइट की एक्सेप्टेंस वाली अफर्मेशन, वेट मैनिफेस्ट करना है तो वेट की एक्सेप्टेंस वाली अफर्मेशन, वेट कम करना है तो उस टाइप का अफर्मेशन, और साथ में जो मैंने आपको बोला वाइब्रेशन सेट करने वाला अफर्मेशन, यानी कि आप निश्चित रूप से खुश रहोगे, ये वाले अफर्मेशन को आप कर सकते हो। तो अब इसे कितने बार लिखना है, कुछ लोगों के माइंड में आएगा सिर्फ एक बार। एक बार आप लिखो एक्सेप्टेंस वाला, दूसरी बार लिखो निश्चित रूप से आप खुश रहोगे ये वाला, सिर्फ एक एक बार ही लिखना है आपको, उसके बाद हो गया आपका काम, और कुछ नहीं करना। अगर दिन में कभी भी आपको लगता है कि आप निगेटिव फील कर रहे हो, उस टाइम पे उस अफर्मेशंस को जो कि आपने लिखा हुआ है उसे 10 बार पढ़ लो, बस इतना ही करना है। आप देखना, अभी करके देख लेना कैसे आपको बहुत डिफरेंट फील होगा,
और इस डिफरेंस को जब आप फील करोगे तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखना कि आपने डिफरेंस को फील किया, ताकि लोगों को भी मोटिवेशन मिले। ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए। एंड इसके साथ ही रात में भी आप सेम चीज कर सकते हो। और रात में क्या लिखोगे कि मैं बहुत अच्छी और गहरी नींद लेता हूँ और मेरा माइंड कम्प्लीटली हील हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख करके सो जाएंगे, बस इतना ही करना है। तो आज की वीडियो में जो मैंने बताया है वो आपकी हाइट को 100% मैनिफेस्ट कर देगा, इसे जरूर करना। एंड अगर आपको सक्सेस मिलती है तो सक्सेस जरूर शेयर करो, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज अपने शेयर करो मेरे साथ में इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू। और अगर आप किसी भी टाइप के मेरे कोर्सेज लेना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम या जीमेल पे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।